कोहली को लेकर गंभीर की भविष्यवाणी पहले ही मैच में साबित हुई सच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का 12वां सीजन शुरू होने से पहले पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने बतौर कप्तान विराट कोहली की काबिलियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। वैसे इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के पहले ही मैच में गौतम गंभीर की बात कुछ हद तक सही साबित हो गई। पहले ही मैच में विराट कोहली की कप्तानी में बेंगलोर की टीम की पूरी तरह हार हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की टीम सिर्फ 70 रनों पर ऑल आउट हो गई। विराट, डिविलियर्स जैसे सितारे भी फ्लॉप रहे। नतीजा, चेन्नई की टीम 7 विकेट से मैच जीत गई। बतौर कप्तान विराट कोहली चेन्नई की पिच को भी नहीं पढ़ सके। विराट कोहली ने चेन्नई की स्पिन फ्रेंडली पिच पर 5 मीडियम प्रेशर टीम में शामिल किया। बेंगलोर की टीम ने शिवम डुबे, नवदीप सैमी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, कॉलिन डी ग्रैंड होम को टीम में शामिल किया, जबकि चेन्नई की टीम ने जडेजा, हरभजन सिंह, इमरान ताहिर जैसे बड़े स्पिनर थे। सोशल मीडिया पर फैंस ने भी आरसीबी और विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।